brought to you by Sensodent K. बस बैक ने SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तू ट्राई करके देख ले Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज जब सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच अपना फैसला सुना रही थी तो पास के ही कोर्टरूम में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मामला था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत का। सुन रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस उज्जवल भुइया। बता दें विभव कुमार पर इल्जाम कि उन्होंने 13 मई को आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला किया। विभव ने स्वाति मालीवाल के सीने, पेट और पेल्विक एरिया पर बार बार चोट पहुंचाई, ऐसा इल्जाम है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्वाति विभव के ऊपर चीख रही थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई तो कोर्ट में पक्ष रखा विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने और ये दलीलें दी। 13 मई को घटना घटी। आश्चर्यजनक है, घटना के दिन स्वाति पुलिस के पास गई लेकिन FIR नहीं लिखी। FIR 16 मई को चोटों के आधार पर लिखी। FIR 3 दिन बाद पुलिस और उपराज्यपाल के दोस्ताना संबंधों के चलते लिखवाई गई। दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल ने उस दिन हमारी FIR नहीं लिखी। कहा जा रहा है कि अगर आरोपी को जमानत मिली तो वो सबूतों के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो कैसे सबूतों को छेड़ सकते हैं। इसके बाद आई जजों की तीखी प्रतिक्रियाएं। क्या कहा? जिस तरह चीजें घटित हुई उससे हम स्तब्ध हैं, हम हैरान हैं कि ये सब कैसे हुआ। क्या CM का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? स्वाति मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो आदमी जारी रहा, वो क्या सोचता है? क्या उसके दिमाग पर ताकत सवार है? स्वाति मालीवाल के घुसने पर आपने ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई गुंडा घुस आया हो? विभव को ऐसा करने में कोई शर्म आती है? हमें तो नहीं लगता कि उसे कोई भी शर्म आती है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? हमने खूनियों और हत्यारों को भी जमानत दी है लेकिन इस केस में FIR देखिए, स्वाति उस अवस्था में लगातार रो रही थी। अगर विभव जैसा आदमी गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पार्टियों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की 7 अगस्त की। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी मानसून और तबाही पर। बीते रोज 31 जुलाई की शाम से 7 राज्यों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल 32 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही बारिश से संबंधित घटनाओं में देशभर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 के ऊपर हो गई। इसमें सबसे ज्यादा 274 मौतें केरल के वायनाड में हुई। पहले बात केरल की। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन वायनाड के दौरे पर पहुंचे। वायनाड के पूर्व सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे। बाद दिल्ली की कुछ घंटों की बारिश और राजधानी डूब गई। कितनी बारिश हुई? मौसम विभाग के मुताबिक बीते 14 साल में जुलाई महीने में कभी भी एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई। कुछ इलाकों में 31 जुलाई की शाम 100 मिलीमीटर तक की बारिश हुई और खुल गए तमाम सरकारी दावों की पोल। दिल्ली NCR में कई अंडरपास में पानी भर गया। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद की सड़कें लबालब भरी। ट्रैफिक जाम भी हुआ। हादसे से उभर रहे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में फिर से सड़कों पर पानी लगा। दिल्ली के गाजीपुर में एक 23 साल की महिला तनुजा बिष्ट और उनके 3 साल की बेटी की खुले हुए मेन होल में डूबने से मौत हो गई। अगर एक दिन में बारिश की वजह से जान गंवाए लोगों की बात करें तो उत्तराखंड में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, दिल्ली में 5, यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2, हरियाणा के गुरुग्राम में 3, राजस्थान के जयपुर में 3 और बिहार में 5 लोगों की जान चली गई। इसमें जयपुर की जो 3 मौतें हैं उन्हें अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए क्योंकि एक बार फिर से बेसमेंट में पानी भरने के चलते ये मौतें हुई। IMD के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक जिन 7 राज्यों में अब तक बारिश से संबंधित मौतें हुई उन्हें तत्काल राहत नहीं मिलेगी। 7 अगस्त तक दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश का यही हाल रहने वाला है। बारिश तो होगी, उसका इंतजार होता है, खेती की निर्भरता है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस मामले में किस तरह का इंतजार करती है? म्यूनसिपैलिटी किस तरह का इंतजार करती है? हमारी तैयारियाँ मुकम्मल क्यों नहीं होती? अगली खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई है। खुशखबरी है, भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। दिलवाया शूटर स्वप्निल कुसाले ने, इवेंट का नाम 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल। आप सोच रहे होंगे ये 3 पोजीशन क्या होती है? इसमें एक बार खड़े होकर, एक बार बैठकर और एक बार लेटकर टारगेट को एम करना होता है। स्वप्निल इस इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। स्वप्निल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गाँव के रहने वाले हैं। 6 अगस्त 1995 को उनका जन्म हुआ। पिता ने महाराष्ट्र में शुरुआती लेवल पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम है सरकार का क्रीड़ा प्रबोधनी, उसमें दाखिला कराया। 1 साल बाद कुसाले ने शूटिंग में करियर बनाने की सोची। 2012 से इंटरनेशनल इवेंट से शुरुआत की। 2015 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रो 3 इवेंट में गोल्ड जीता। 2022 में काहिरा में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th नंबर पर रहे थे जिससे उन्हें ओलंपिक कोटा मिला। स्वप्निल 2015 से इंडियन रेलवे में टिकट कलेक्टर के तौर पर काम करते हैं।
अगली सुर्खी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। पर फैसला समझने के पहले संक्षेप में केस जानिए। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और दावा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है, इसके साथ ही वहां पूजा करने का हक मांगा था। तर्क ये, यहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बरक्स मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। कहा था ये याचिका सुनी ही नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, यानी अब हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई की जाएगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।